बोकारो में जारंडीय प्रखंड के बांधडीह दक्षिणी मध्य विद्यालय भवन के ऊपर आसमानी बिजली गिरने से 20 से 25 बच्चे घायल हो गए, जहां एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल बच्चों को जैना मोड़ रेफर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बोकारो में झारंगे प्रखंड के बांधडीह दक्षिणी मध्य विद्यालय भवन के ऊपर आसमानी बिजली गिरने से 20 से 25 बच्चे घायल हो गए, जहां एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल बच्चों को जैना मोड़ रेफरल अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। उसी दौरान दूसरे स्कूल दंतु स्थित सोनपुरा मिडिल स्कूल से भी 4 बच्चों को लाया गया। साथ ही ये बताया जा रहा है कि दोनों स्कूल में तड़ित चालक यंत्र नहीं था और बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान यह बड़ी घटना घटी। मौके पर बोकारो DDC कृति श्री तथा झारंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे और मामले की वास्तु स्थिति से अवगत हुए। जैसे एक स्कूल में जैसे बच्चे सब है और उस समय लाइटनिंग हुआ है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे को यहाँ पे तुरंत लाया गया है। इमीडिएट प्रिलिमिनरी सब उसका बच्चे का जो है जांच हो गया है और सभी बच्चे ऑलमोस्ट नॉर्मल है। सिर्फ एक बच्चा को जो है रेफ़र करके BGH को भेजा गया है और उनका भी हार्ट रेट और ऑक्सीजन रेट सब चेक किया गया है और वो बच्चे भी ठीक है, बस डरे हुए हैं तो इसीलिए थोड़ा अनकॉन्शियस हुए, बाकी सब ठीक। तो कितने बच्चे मतलब जैसे उस संख्या आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में 10 बच्चे हैं और सभी का जो है जांच चल रहा है और उनको बेसिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी दी गई। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज़ चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।